हेलो फ्रेंड्स, आई एम आकाश पांडे। आज के वीडियो में हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स बनाने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आइसोमेट्रिक पार्ट वन में मैंने आइसोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट समझाए थे कि किस तरह से हम लोग आइसोमेट्रिक को यूज करते हैं और कैसे बनाते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में हमारे पास एक डायग्राम है, ये डायग्राम बनाएंगे हम लोग और इसको बना के हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग आइसोमेट्रिक को यूज करते हैं। ओके, तो आइसोमेट्रिक बनाने के लिए सबसे पहले देखें तो यहाँ पे कुछ डायमेंशन है। ये देखिए, इसके सामने हम देखेंगे ऑर्थोग्राफिक व्यूज। ओके, तो ये हमारे पास कुछ लाइक ये हमारा इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है और ये इसका साइड व्यू है। इन सभी डायमेंशन के थ्रू हम लोग इस ड्राइंग को बनाएंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइसोमेट्रिक को ओपन करना है। हाउ टू ओपन आइसोमेट्रिक, जस्ट गो टू स्नैप सेटिंग्स एंड देन आइसोमेट्रिक स्नैप। ओके, एंड ऑन योर ऑर्थो, ऑलवेज रिमेंबर ऑन योर ऑर्थो इन होल आइसोमेट्रिक। ओके, नाउ सी दिस डिस्टेंस इज 135. So first of all, this one is 135. You can write down here 135. Now, okay. Now this distance is, you can see here, this distance is 23. So you can just click here 23 and then copy this distance, CO, copy, and now you can copy just here. Okay, after it, just click line and midpoint, and this line distance is 30. Okay, now see, this distance is 30, so you can copy 15 here, 15 here. Just CO. Okay. Now see, this distance is how much? From here to here distance is 38. So you can just select this and copy this. See, or copy this in this direction, 38. Now you can just copy this one also. Line, and then click from here to here and then here to here and then here to here. Okay, see, after it you can delete this one and this one also. Trim, double time enter, just click here and see, your this view is complete. After it, your this distance is 75. You can just go 75 and then now this distance is 23. So you can just click here line and then go to 75, and then this direction is 23. तो हम लोगों ने क्या किया, 23 लाइन खींच दिया और इस 23 को यहाँ वाले पॉइंट से मिला दिया जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसके बाद इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके हमने ट्रिम कर दिया, सॉरी डिलीट कर दिया। और इसके बाद लाइन कमांड लीजिए और देखिए यहाँ पे एक डिस्टेंस दिया हुआ है जो डिस्टेंस 90 है। हमने क्या किया, इस लाइन को लिया यहाँ से और ये लेने के बाद 90 क्लिक कर दिया, 90 क्लिक करके इसको इससे मिला दिया, इस तरह से किया। और इस अब क्या किया, हमने इसका एक व्यू तैयार कर लिया। अब सेम देखिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम है, सॉरी जो जैसे पीछे होगा ऑब्जेक्ट वैसे ही आगे भी होगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें स्पेसिंग स्प्राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर स्पेसिंग देखो तो ये कितना स्पेसिंग है हमारा, 75। मीन्स अगर हम लोग इसको सेलेक्ट करें और 75 आगे की ओर कॉपी कर लें इस तरह से, F5 बटन क्लिक करें और इस तरह से हम लोग सही फेस में 75 कॉपी कर लें। अब देखेंगे तो हमें पीछे से ये व्यूज नहीं दिखेंगे, लाइक हमें ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। उससे पहले इसको मिला दीजिए, फिर जो जो नहीं दिखेंगे उनको उनको हम लोग डिलीट और ट्रिम कर देंगे। ओके, नाउ ट्रिम, राइट क्लिक, मैक्सिमम हम लोग को डिलीट ही करना है, तो सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए इससे, और ये हमने डिलीट कर दिया। डिलीट दिस एंड डिलीट दिस वन आल्सो। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, हमारा ये व्यू तैयार हो गया, मतलब ये नीचे का व्यूज तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये कटिंग्स हुए हैं, ठीक है, इनको थोड़ा थोड़ा हम लोग इन पे काम करेंगे। इन पे काम करने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन खींचिए यहाँ पे। देखिए आपको डिस्टेंस थोड़ा सा मैं प्रोवाइड करना बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा ये हमारे पास डिस्टेंस है जो ये कितना है हमारा 15, ये हमारा 15 है। सो हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन खींचा इसके मिड पॉइंट पे
और F5 बटन क्लिक किया इस तरह से, और फिर यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे एक सर्किल लगा हुआ है जिसका रेडियस, जिसका डाया है 60, दैट मीन इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस होगा और डाया है 16 तो इसका रेडियस होगा 30। ओके तो हमने क्या किया, एक आइसो सर्किल खींचा, हमने लास्ट के सेशन में बताया था आइसो सर्किल कैसे खींचेंगे, एक्सिस पे जाके आइसो सर्किल, और उसको हमने यहाँ पे 30 दे दिया इस तरह से, और साथ ही साथ इसको सेलेक्ट किया, और ये डिस्टेंस हमें पता है तो ये डिस्टेंस पे हमने कॉपी कर दिया। कितना कॉपी करना है, चाहे तो पहले इसको आप कॉपी कर लिए तो बेटर रहेगा, इसको हमने कॉपी किया 15 अंदर की ओर। ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट कमांड्स को यूज़ करिए, क्योंकि शॉर्टकट कमांड को यूज़ करने से आपकी ड्राइंग फास्ट बनती है, तो आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अभी जैसे कि एक चीज और सिखाता हूँ आपको, जैसे अभी मुझे सर्किल की नीड नहीं है तो आप इसको सेलेक्ट करिए, और इसकी भी नीड नहीं है तो सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करेंगे तो आप आइसोलेट पे जाएंगे तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसको मिलेंगे हाइड ऑब्जेक्ट। जैसे हमने इसको हाइड कर दिया, अभी वो हाइड रहेगा, जब हमें ज़रूरत होगी तो हम उसको बुला लेंगे। ओके हमने इस तरह से कर दिया, और हमने इधर भी इसको कर दिया। ओके अब हमने देखा कि ये जो डिस्टेंस है ये 8 अंदर गया हुआ है, देखिए यहाँ पे 8 अंदर गया हुआ है, ये डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन है आपको, ये देखिए 8 डिस्टेंस मेंशन है। तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी 8 इसको अंदर किया, हमने कॉपी कर दिया 8। सेम कंडीशन इधर भी होगा, 8 कॉपी। ओके अब इसके बाद ट्रिम, इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, और ये यहाँ भी हमने एरिया ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रिम कर दिए, और दिस वन एंड दिस वन आल्सो। ओके तो हमने इस तरह से सबको ट्रिम कर दिया। अब इसके बाद हम जिन्होंने जिस ऑब्जेक्ट को हाइड किया था उसको अनहाइड कर सकते हैं। चलिए इसको अनहाइड करने से पहले ये भी नीचे का भी पोर्शन इसको तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ से ऊपर से नीचे डिस्टेंस आया हुआ, कितना आया हुआ है, ये 60 आया हुआ है, ठीक है, देखिए 60 आया हुआ है। तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कमांड, और इसे F5 बटन से नीचे की ओर 60 कॉपी कर लिया, 60 कॉपी किया। अब इसके साथ ही साथ हमने लाइन कमांड लिया और इसको इसे मिला दिया, और फिर यहाँ से हम लोग ऐसे ही एक लाइन खींच देंगे, ऐसे 300 लाइन खींच दिया, और इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये लाइन ऐसे आगे आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन कमांड लेंगे और यहाँ से डिस्टेंस लेंगे आगे। इसमें क्या करेंगे, जैसे हमको यहाँ तक लेना है तो यहाँ मत लीजिए आप, सीधे इसको ऐसे बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपका ऑर्थो ऑन है, सो हम बाद में ट्रिम कर सकते हैं इसको। ये देखिए ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया, और इसको भी हमने ट्रिम कर दिया, एंड दिस वन आल्सो एंड दिस, और उसके बाद ये जो पोर्शन आपको डिलीट करने हैं इसको डिलीट कर दिया। देखिए आपका ये तैयार हो गया, ठीक, हमने इस तरह से तैयार किया। यहाँ पे एक पॉइंट छोटा कहीं से इसको हमने डिलीट कर दिया। ओके आफ्टर इट अब हमें काम है उस सर्किल का, सर्किल पर हमें काम करना है। सर्किल पर काम करने से पहले देखिए तो यहाँ पे एक लाइन अंदर की ओर गया हुआ है, तो आप भी एक लाइन ऐसे ही खींच दीजिए, कैसे यहाँ से आएंगे और यहाँ से जाके ऐसे खींच दीजिए, ठीक। फिर ट्रिम, इस तरह से हमने ट्रिम कर दिया, और फिर यहाँ पे अब जो हाइट था ऑब्जेक्ट उसको अनहाइट करना है, तो आइसोलेट पे जाइए और यहाँ इंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन कर दीजिए। देखिए आ गया यहाँ पे, हाँ अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर गया हुआ ये कितना, ये 15 है, कैसे हमें डाटा प्रोवाइड हुआ है, ये देखिए टोटल कितना है 45, और ये हमारा 30 है, मतलब ये हमारा 15 है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको सेलेक्ट करना चाहिए और इसको कॉपी कर देना चाहिए ऊपर की ओर, 15 और एक 45। ओके ना हमने कॉपी कर दिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ से लीजिए एक पॉइंट, ये थोड़ा सा गलत कॉपी हो गया क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो इसको आप इरेज करिए, इसको इरेज करिए, इसको सेलेक्ट करिए और फिर से कॉपी कर लीजिए, सी और इंटर कॉपी, और इस तरह से अब ये सही डायरेक्शन में है 15, और इसके फेसेस गलत नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो सही बनेगा। अब देखिए हमने यहाँ से लाइन कमांड लिया और इसको मिला दिया इस तरह से, और इधर से भी हमने इसको लिया और इसको मिला दिया। ओके अब यहाँ देखिए बीच वाले पॉइंट से यहाँ पे एक स्पेसिंग निकला हुआ है, ठीक है, तो ये स्पेसिंग जो निकला हुआ है ये 23 का निकला हुआ है, दैट मीन एक लाइन खींचे और उस लाइन को हम लोग 11.5 इधर 11.5 इधर कॉपी करते स्पेसिंग आ जाएगी। हमने लाइन कमांड लिया और मिड पॉइंट यहाँ से हमें अवेलेबल हो जाएगा, ऐसे एक लाइन पहले खींच दिया और फिर इसको कॉपी किया, क्योंकि कॉपी करते हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छे से कॉपी होगा। जैसे ये कॉपी किया तो आप ऐसे क्लिक करिए, और इसके फेस को चेंज करने के लिए फेस को चेंज किया और यहाँ पर रख दिया हमने 11.5, और इधर भी करना है तो 11.5 इंटर। फिर हमने क्या किया, लाइन कमांड लेके
इसको ऐसे ही बढ़ा दिया ऊपर की ओर F5 बटन से, ऐसे इसको भी लिया और इसको भी लेके हमने F5 बटन से बढ़ा दिया। और फिर इससे लाइन को लिया और लाइन कमांड को लेने के बाद हम लोग ड्राइंग को देखेंगे। हाँ, ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसको हमको लेना है और ऐसे मिला देना है, इधर की ऐसे बढ़ा दिया, देखिए ढेर सारी लाइन्स आ जाएंगी। इसके बाद जो जो पॉइंट्स हमें नहीं दिख रहे हैं सबको फटाफट ट्रिम कर दिए, जैसे कभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं इनको हमको ट्रिम कर देंगे। और फिर ट्रिम, ये देखिए इसको ट्रिम कर दिया, पीछे का ये भी नहीं दिखेगा, मैं ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये पॉइंट भी नहीं दिखने वाले, ये पॉइंट भी नहीं दिखने वाला, सॉरी ये दिखेगा। और यहाँ का हमें ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हमें दिखने वाले नहीं हैं। इधर से हमें ये नहीं दिखने वाला, ये और ये पॉइंट्स नहीं दिखने वाला, बाकी सबको ट्रिम कर दीजिए, इरेज कर दीजिए, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको भी हमने इरेज कर दिया, इस तरह से इसको भी सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। और फिर ट्रिम, इस तरह से किया, और फिर इसको भी हमने किया, ये और ये, तो हम मैक्सिमम ड्राइंग को कंप्लीट करने पहुंच चुके हैं। ये हमने क्यों लिया, और फिर यहाँ पे इसको रेस किया, ये किया और इसको हमने ट्रिम कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमने ड्राइंग को फिनिश किया। अब यहाँ पे देख लेंगे, हमें यहाँ पे देखिए ये कटिंग नहीं है, तो हमने यहाँ पे कटिंग लिया, पहले कटिंग लेने से पहले इसको लाइन खींच दीजिए, यहाँ से एक लाइन लिया और इस तरह से लाइन को ऐसे खींच दिया, और ये करने का ट्रिम, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ठीक है। फिर हमें ये भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, और हमने देखा कि एक लाइन यहाँ से ऐसे गया हुआ, ठीक है। तो ऐसे एक लाइन लीजिए और लाइन कमांड लेके इसको यहाँ से मिलाइए और ऐसे कर दीजिए, ट्रिम ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया। अब देखिए हमारे पास ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट एक बन के आ गया, देख लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं है, नहीं कोई मिस्टेक नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको ड्राइंग को बनाया, ठीक है। और ड्राइंग को बनाने के बाद एक बहुत से लोगों का क्वेश्चन आया, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि जैसे हम लोग इसकी डायमेंशनिंग करते हैं, ठीक है, तो एक छोटा सा 2 मिनट का पॉइंट और बचेगा। जैसे इसका डायमेंशनिंग हमने यहाँ से किया, ठीक है, यहाँ पे डायमेंशनिंग के लिए आप एलाइन यूज करिए, एलाइन यूज करने के बाद जैसे आप यहाँ से डायमेंशनिंग किए इसका, यहाँ से ये देखिए, बट ये गलत होता है, मतलब इस तरह से डायमेंशनिंग हमें नहीं करना है। डायमेंशनिंग करने के लिए जो फेस होगा वो फेस ये गलत है, तो आपको डायमेंशनिंग कैसे करना है, इसको करने के बाद सेलेक्ट करिए, यहाँ डायमेंशनिंग पाइए और यहाँ पे आपको ऑब्लिक्यू करके ऑप्शन मिलेगा, इसको लीजिए, उसको लेके इस तरह से जब आएंगे तो ये देखिए अब इसका फ्रेम सही है, इस फ्रेम में हम लोग इस तरह से इसको डायमेंशन कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग सभी चीज़ों को डायमेंशन कर लेंगे, और डायमेंशन करके डायमेंशन की मैं एक अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अगर आपको अभी नीड है तो आपको और भी कोई पॉइंट्स ऐड करवाने हैं, आपको कुछ नई चीज़ें आपको जाननी है जो आपको नहीं पता है, तो आप कमेंट करिए, और कमेंट करके देखते रहिए ऐसे ही। तो मैं सारे वीडियोस को एक एक करके डेली, मतलब कि 1 or 2 days में मैं एक एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करूँ, यहाँ से लेके हम होम टाउन से काम करेंगे और यहाँ पे VIM 360 तक आपको बताने वाले हैं, ठीक। तो इस तरह से हमारी कोशिश है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बहुत अच्छा आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर रहे हो यार, थोड़ा शेयर भी कर दो तो जिससे और भी मेरा इंक्रेज हो जाए मन, तो उससे मैं और भी ढेर सारे वीडियोज़ लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।